ये लड़का दूर बिल्डिंग पर से अपने तीर कमान के जरिए आ रहे ऑफिसर के ऊपर टारगेट करता है। तभी ऑफिसर अपने गाड़ी से निकलकर बाहर आता है। जो ऑफिसर को बहुत सारे सिक्योरिटी वहां पर उसको चारों तरफ से घिरे हुए रहता है। लड़का मौका का फायदा उठाते हुए अपने तीर कमान को पूरी तरह ऑफिसर के गले के ऊपर निशाना लगाकर छोड़ देता है, जो सीधे ऑफिसर के गले में से तीर आर पार हो जाता है। अब वहां पर पूरी तरह लोगों के बीच भगदड़ मच जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए लड़का भी इस भीड़ में से अपने तीर कमान को लेकर वहां से निकल जाता है। इधर पुलिस को पता चल जाता है कि इस ऑफिसर को किसने मारा। दरअसल ये लड़का पहले भी कई सारे ऑफिसरों और नेताओं को मार चुका है और लड़का कई बार पकड़ा भी गया, लेकिन वो जेल से रिहा कर दिया जाता उसका सजा कटने के बाद। पुलिस इस लड़का की सारी बातें दूसरे पुलिस को बता रहा है, ऐसे वह जेल से छूट जाता था। तभी लड़का बस में जा रहा होता है और उसे खिड़की की तरफ से कई सारे उसके कानों में आवाज गूंजता है। वो पहले वाली सारी बातें याद करने लगता है, उसका कैसे एक हंसता खेलता परिवार जंगलों के बीच में रहता, लेकिन लड़का एक ही झटके में सारे परिवारों को खो देता है।